वान साहब स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पंजाब से चलकर आ रहे हैं, कैसे हैं? क्या है जी, पंजाब से आ रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? पंजाब बिल्कुल ठीक है जी। पंजाब जिस तरह से पंजाब की इमेज है, हंसता खेलता और पूरे देश का पेट पालता और सरहदों पर रखवाली करता पंजाब। तो फिर आप ये क्यों कहते थे कि मैथ्स के गणित के फॉर्मूले क्यों पढ़ने हैं, इससे क्या मिल जाएगा, गणित का फॉर्मूला क्यों पढ़ना है? मैंने पढ़े हुए हैं ना वो। मैं ये कहता हूँ आप सभी लोग, अभी TV9 का मंच है, बड़ा मंच है, लाखों लोग देख रहे होंगे। हमें पढ़ाया कुछ और जा रहा है, जिंदगी में काम कुछ और आ रहा है, रेलेवेंट पढ़ाई नहीं है। आप बता दीजिए मुझको, किसी ने, यहाँ पर बैठे हैं कितने लोग, लाखों सुन रहे होंगे, किसी ने a² + b² + 2ab का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाजार से केले खरीदे? क्यों पढ़ा रहे हैं हमें? टैन थीटा कॉस थीटा जिंदगी में काम आया, लेकिन सबसे ज्यादा नींद हराम इसी ने की, टैन थीटा कॉस थीटा। भाई तो जिसको साइंटिस्ट बनना है उसको पढ़ाओ, साइंटिस्ट जिसको बनना है उसको पढ़ाओ टैन थीटा कॉस थीटा। जो जिसका मन कहीं और जा रहा है, आप उसको लेके आ रहे हो MBD गाइड की तरफ, नहीं नहीं ये पढ़, रट्टे लगा। एक पोस्ट, एक जगह पे ना पोस्टमैन की पोस्टें निकली, मतलब डाकिये रखने थे जी जी, डाकिये की पोस्टें निकली। एक बंदे का सारा क्वालिफिकेशन वगैरह सब क्लियर था, कहते जी बस बाकी क्लियर है, एक इंटरव्यू करनी है। कहते हाँ जी, कहते पहला सवाल इंटरव्यू करने के लिए, कहते चांद और धरती की कितनी दूरी है? वो कहता जी अगर इस रूट पे चिट्ठियां बांटनी है तो मेरी तरफ से जवाब है। मतलब यार आपने डाकिया रखना है, उससे ये पूछ लो कि भाई साहब नोएडा वाला जो पुल है उससे जो इधर अपना धौला कुआं कितनी दूर है, धौला कुआं से आजादपुर वाली मंडी कितनी दूर है, जहां चिट्ठियां बांटनी है। अब चांद की दूरी पूछ रहे हैं उससे, क्या लेना देना इससे? तो हमारा ना थोड़ा ना साहब आज एक राज खोल दीजिए फिर। नहीं नहीं, इसका ना रेलेवेंट होना चाहिए। हाँ। पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो तो काम तो आए ना। हम अगले सिलेबस में हम लेके आ रहे हैं सरकारी स्कूलों में एप्लीकेशन रहेगी फीस माफी की, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो पॉजिटिव रहेगा कि मैं ऐसे हूँ, मेरे पिताजी आ ये काम कर, सच बता दे ये काम करते हैं, पैसे फीस नहीं दे सकते, मेरी फीस माफ ना करो, मेरी फीस उधार कर लो, मैं वादा करता हूँ मैं बड़ा अफसर बन के, मैं जज बन के, मैं DC बन के, मैं SSP बन के इस स्कूल की फीस ब्याज समेत वापस करके। क्या बात आपके, तो बच्चे के मन में पॉजिटिविटी आती है कि मैंने कुछ लिख के दिया है, कि मैंने कुछ लिख के दिया, मुझे कुछ करना है। सरकारी स्कूलों में आम जनता पढ़ती है, जनता के बच्चे 5वीं 6ठी क्लास जब कोरे कागज जैसा मन होता है ना, सिलेबस में से माफियां मांगनी सिखा देते हैं, फीस माफ कर दो जी, जुर्माना माफ कर दो जी, बड़े होके कहते हैं बिजली के बिल माफ कर दो जी, कर्जा माफ कर दो जी, क्योंकि माफी की अर्जी तो लिखनी सीख ही जाते हैं जी, वो तो सिखाई जाती है। प्राइवेट स्कूल में माफी की अर्जी क्यों नहीं है जी? प्राइवेट स्कूल के किसी भी, अब बड़े बड़े स्कूल हैं जी, किसी प्राइवेट स्कूल में फीस माफी की अर्जी है सिलेबस में? वो तो 2 लाख पहले ले लेते हैं, वहां माफी का क्या चांस है जी? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एजुकेशन शुड बी वन नेशन वन एजुकेशन का नारा भी होना चाहिए, एक जैसी पढ़ाई होनी चाहिए। मां साहब अब ये नंबर कम ज्यादा आ जाए कोई बात, कोई ज्यादा पढ़ लेगा तो नंबर आ जाए, लेकिन पढ़ाई और है उधर, पढ़ाई और है, वो टीचर और हैं, हमारे टीचर और हैं, उधर सिलेबस और है, इधर सिलेबस और है। तो हम ये करने वाले पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले हैं जी। स्कूल ऑफ एमिनेंस का मतलब है 8वीं तक बच्चे का पता चल जाता है ये क्या करने वाला है, तो 9, 10, 11, 12 ये क्लास है। जो बच्चा साइंस में जाना चाहता है उसको 9th में साइंस से शुरू किया जाएगा, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है उसको स्पोर्ट्स से शुरू किया जाएगा, जो आर्टिस्ट बनना चाहता है उसको संगीत के लिए लेके जाएंगे, जो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है जब तक वो 12 पास करके यूनिवर्सिटी के लिए निकलेगा तब तक उसका विजन क्लियर होगा कि मैंने क्या बनना है। मान साहब लेकिन आपके जो 10/10 आए थे ना, शायद इसीलिए आपके पिताजी को ये लगा था कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन आप तो ऐसे थे कि आप थिएटर स्टेज पे पहुंचकर परफॉर्म करने लग जाते थे, नकल उतारने लग जाते थे। एक ये भी हमारे देश में दिक्कत है कि हमारे जो माता पिता हैं बड़े सत्कारित हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं
जो खुद नहीं बन पाते ना वो बच्चों से बनना बनवाना चाहते हैं बस। डॉक्टर बापू नहीं बन सका तो कहता बेटा डॉक्टर बनेगा। अब क्या पता यार, थोड़ा सा तो बच्चों की तो पूछ लो कि वो क्या करना चाहता है। नहीं, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना। अगर सभी डॉक्टर बन गए मरीज कौन बनेगा फिर? अगर सभी पायलट बन गए पैसेंजर कौन बनेगा फिर? बच्चे से भी तो पूछ लो ना कि क्या करना है। नहीं पूछते। मेरा मन था आर्टिस्ट लेवल पे, स्टेज पे जाके कुछ परफॉर्म करना है। जब पिताजी को पता चला उन्होंने पाबंदी लगा दी कि नहीं जाना, पहले पढ़ाई करनी है फिर बाद में करना है, ये काम नहीं करने स्टेज पे जाने वाले। अब मेरे मन में कीड़ा था अंदर कि यार कुछ करना है, मैं तो जाऊंगा। मैं चोरी हो जाने लगा, चोरी छिपे जाने लगा कि पिताजी को पता ही ना चले। अब मैं किसी कॉलेज में चला गया, मलेरकोटला कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला, वहाँ मैं फर्स्ट आ गया। बहुत सुंदर ट्रॉफी मिल गई मुझे, 16 साल की उम्र, 11 प्लस वन की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रॉफी बहुत खूबसूरत मिल गई, बड़ा बहुत ही मन को इतना लगा कि मैंने ट्रॉफी जीत ली है और मेरा नाम बोला गया कि पहले नंबर पर ये। तो बस में वापस आना था। अब एक तरफ तो ट्रॉफी जीतने की खुशी है, दूसरी तरफ एक मन में स्ट्रगल ये चल रही है ट्रॉफी घर पे ले गया तो पिताजी को पता चल जाएगा, ये फिर स्टेजों पर जाने लगा फिर पिटाई होगी। तो मैं बस में खड़ा था, बड़ी इमोशनल बात है। सीट वीट कौन, सीट वीट नहीं देते स्टूडेंट्स को, कहते को फ्री जाना होता ना। तो मैं खड़ा था ट्रॉफी लेके, एक कोई बंदा था उसने कहा, कहता यार बहुत खूबसूरत ट्रॉफी है, कहाँ से लेके आए? मैंने कहा मलेरकोटला कॉलेज से जीती है। कहता यार बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा चले भाई साहब तुम ले जाओ। ट्रॉफी दे दी। ऐसे मैंने बहुत सी ट्रॉफियाँ दे दी जिनको मैं मिस करता हूँ, और पता नहीं किसके घर की ड्राइंग रूम का श्रृंगार होंगी। लेकिन जब मैं प्लस टू में पढ़ रहा था तभी से मेरी कैसेट्स आती थी जी जी, टी सीरीज वगैरह में कैसेट्स आने लगी, तो मैं सुपर हिट हो गया। प्लस टू में पढ़ता ही पंजाब का बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड मिल गया मुझे, मतलब मैं भी मशहूर हो गया तो पिताजी भी फेमस हो गए। तब वही पिताजी जो रोकते थे, इंटरव्यू दे रहे थे एक बार किसी अखबार वाले को, हाँ मुझे पता था बच्चे में बहुत टैलेंट है, मैंने बहुत इनकरेज किया। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं, कोई इनकरेज नहीं किया है, हटा मैं तो आप चढ़ते सूरज को सलाम है बस। तो मेरे पिताजी की भी ना जो सरकारी चिट्ठियां थी वो भी ऐसे आने लगी थी, महेंद्र सिंह फादर ऑफ भगवंत मान फलां फलां स्कूल। मैंने कहा जी सन ऑफ तो सुना है, फादर ऑफ क्या कब से चलने लगा है? वो कहते हैं मैंने ही कह रखा है कि तेरे नाम से चिट्ठी आ जाए, तेरे नाम से थोड़ा जल्दी आ जाती है, सब जानते हैं। अगर अच्छा वाला करियर चल रहा था, एक आर्टिस्ट के तौर पर परफॉर्म कर रहे थे और आप इतने फेमस भी हो चुके थे, कटरीना कैफ के साथ फिल्में भी कर रहे थे, ऐसा क्या सोचा कि कटरीना कैफ को छोड़कर आप केजरीवाल के साथ आ गए? देखिए कटरीना कैफ को केजरीवाल जी से मत कंपेयर करें। ग्लैमर लाइन में मैं था, मैं अपने मूवी जिसमें धर्मेंद्र जी, सनी देओल, बॉबी देओल, कैटरीना कैफ थे, मैंने भी उसमें काम किया। लफ्टर चैलेंज में बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। फेमस तो पंजाबी में पहले बहुत हो गए थे, बाद में हिंदी में आ गए। लेकिन मेरे मन में एक बात, क्योंकि मैं पॉलिटिकल स्टायर करता था, मैं स्टायर करता था सिस्टम पर, व्यंगकार में, तो मन में एक बात मेरे जरूर आती थी कि सिस्टम ठीक होना चाहिए। लेकिन मेरी सीडी से या मेरे सीरियल से लोग खुश बहुत हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आता। मेरे पास वो पावर नहीं थी कि मैं डिप्टी कमिश्नर को या एसएसपी को कोई ऑर्डर दे सकूं कि ऐसा नहीं ऐसे होता है। तो मन में बहुत था कि कुछ करना है, क्योंकि अगर किसी फसल को कोई कीड़ा या सुंडी लगी तो बाहर से शोर मचा के या कोई पत्थरबाजी करके सुंडी नहीं हटेगी। उसके लिए तो पंजाबी में कहते हैं स्प्रे दी टोली मोटे ते रख के अंदर बढ़ना पैंदा। अगर गटर साफ करना है तो गटर के नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन मान साहब, प्रताप सिंह बाजवा, सिद्धू साहब कहते हैं, सिद्धू साहब कुछ भी बोलते रहते हैं, वो तो खटाक पटाक पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, उनको खुद को नहीं पता चलता कि मैंने क्या बोल दिया। ओ गुरु,
तो मैं क्या करें अब? ओ गुरु, याद होगा आपको उनका। तो नवजोत सिद्धू इलेक्शन में खड़े थे ना। हाँ। सिद्धू और मजीठिया दोनों एक जगह से खड़े थे। हाँ। और हमारी एक सोशल वर्कर है जीवन ज्योत कौर, एक ही बटन दबाया, लोगों ने दोनों हार गए, दोनों हार गए। नहीं लेकिन प्रताप सिंह, इसमें मेरा क्या कसूर है जी? इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरे जज थे हार गए? नहीं, प्रताप सिंह बाजवा ने एक बयान दिया और आपने उस पर भी सिद्धू जी का मजाक उड़ा लिया। किसका क्या, क्या उन्होंने कहा कि उंगली मगर गैंग्रीन हो तो उंगली काट देनी चाहिए। देखिए पता क्या है, जो मेरे ये सारे ना कॉन्वेंटेरियन है, ये पंजाबी इन्होंने कभी पढ़ी नहीं है। अब वैसे तो 33% होता है ना कम से कम नंबर, मैं 25% भी पास करने को तैयार हूँ ये चारों पंजाबी का टेस्ट पास करके दिखा दे मुझे। ये बोलते हैं सिद्धू है, ये कौन, ये YPS है? नहीं सुनो, लेकिन सुनो, आपने मजाक क्या उड़ाया वो तो बता दीजिए लोगों को। सुनो तो सही, सिद्धू YPS है, भाजपा PPS नाभा है, सुखबीर बादल सनावर है, मनप्रीत बादल दून है, यहाँ पंजाबी है ही नहीं, पंजाबी सब्जेक्ट ही नहीं है। इनको मैं सवाल भी पहले बता दूंगा जो इन्होंने देने हैं कि पंजाब की राजधानी कौन सी है, इनको भी पता चंडीगढ़ है लेकिन लिखना नहीं आता ना चंडीगढ़। आ जाओ, और पंजाब का आप कह रहे हो कि हम पंजाब को संभालेंगे, हम पंजाब के किंग हैं। असल में क्या है, इन सबको दिक्कत ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, इनको दिक्कत ये है कि आम घरों के बेटे बेटियां ये कुर्सियां पर, कुर्सियों पर क्यों बैठ गए जहां हमारे बेटे बेटियां बैठते थे, ये पंगा। और वो कह रहा है प्रताप बाजवा ने कहा ये कैसा मटीरियल हमारे सामने आ गया, मटीरियल बोल रहे हमें, वो कहते एक मोबाइल ठीक करने वाला MLA बन के आ गया। मैंने कहा मोबाइल ठीक करने वाला नहीं, दिमाग ठीक करने वाले भी कई आए हैं आपके। हमारे उस जो मोबाइल ठीक करने वाला ना जिसका नाम लिया, उसने सिटिंग CM चन्नी को हराया। नहीं नहीं, मैं बता देता हूँ, जब उन्होंने कहा कि जिस उंगली में गैंग्रीन हो उस उंगली को काट देना चाहिए, तो आपने कहा कि उंगली कट जाएगी तो पंजा रहेगा कैसे? मैं बता, नवजोत सिंह सिद्धू जो है ना वो शादी में लेने देने वाले सूट नहीं होते उनकी तरह है, उनको ना तो कोई लिफाफे से बाहर निकालता है। और ना ही उनको कोई सिलवाता है, वो आगे आगे चले जाते हैं, बुआ की बेटी का चला गया चलो, इधर मासी की बेटी का चलो, 4 महीने बाद उधर मौसा के यहां भेज दो, कई बार 1.5 साल बाद अपने ही सूट अपने को वापस आ जाता है। और फिर भी कहते हैं अभी निकालना नहीं, 3 महीने बाद बुआ के बड़े बेटे की शादी है वहां निकाल देंगे। किसान आंदोलन के बारे में आपकी क्या राय है, और पंजाब का किसान दिल्ली क्यों आता है बार बार, पंजाब का ही किसान बार बार किसान आंदोलन करने क्यों आता है दिल्ली? नहीं, क्या पंजाब के किसान के लिए दिल्ली पाबंदी है, राजधानी नहीं है हमारी, ना कोई पाबंदी है, दिल्ली क्यों आता है? जब सरकार दिल्ली से चलती है कहां जाए फिर वो, पंजाब का किसान लाहौर जाए? जब आप विपक्ष में एक मिनट बात सुनिए, वैसे लाहौर शायद जल्दी जा सकता था क्योंकि जितनी बड़ी तारें इधर लगाई थी लाहौर वाली कम है, क्यों नहीं आने देते यार उनको आप? भाई आप आने क्यों नहीं दे रहे? हरियाणा के बॉर्डर पे क्यों रोक ली? हरियाणा के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं उनकी, वो अमृतसर से तरन तारण से 200-200 किलोमीटर आ गए, उन्होंने एक चींटी नहीं मारी, कोई पंजाब के साथ दुश्मनी ऐसे हरियाणा को, वो तो यहाँ रामलीला ग्राउंड में बिठा देते, यहाँ उनके साथ बात कर लेते, नहीं जी आने नहीं देना दिल्ली। आप भी कह रहे हो दिल्ली क्यों आ रहे हैं, दिल्ली क्यों नहीं आएंगे, तो मोदी जी दिल्ली क्यों आए? एक मिनट, मोदी जी अहमदाबाद छोड़ के दिल्ली क्यों आए बताइए? मोदी जी ट्रैक्टर लेकर नहीं आए, ट्रॉलियां लेकर नहीं आए? मोदी जी दिल्ली आएंगे, मोदी जी देश के राजे हैं तो मोदी जी के पास ही आएंगे, कहां जाएंगे? अगर आपको याद हो हमने एक चीज और दिखाई थी, जब आप विपक्ष में थे तब आपने कहा था कि पंजाब की सरकार किसानों को MSP की गारंटी का कानून लाकर उनको वहीं पर क्यों नहीं दे देती MSP की गारंटी, तब आपने विपक्ष में कहा था, हमने ये भी दिखाया था। बिल्कुल बिल्कुल, आज आप सत्ता में हैं। मैं गारंटी देखो MSP मैं नहीं दे सकता, ये सेंटर दे सकता है, ये फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको सब्सिडी दे सकता हूँ। जो राज्य सरकार है ना वो MSP नहीं बना सकती, लेकिन राज्य सरकार एक काम कर सकती है, जिस रेट पे वो फसल बिकती है और स्वामीनाथन के C2+50% के फार्मूले से
जितना उसका बनता है उसका गैप दे सकती है गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है, और हमने दी है मूंगी, मूंगी की दाल पर हमने दी है, हमने बीजों पर सब्सिडी दी है, हमने हमने बिजली पर सब्सिडी, हमारी बिजली 18,000 करोड़ की फ्री दे रहे हैं हम। ये पंजाब का किसान क्या मांग रहा है जी? हम तो मैंने मंत्री से कहा, पीयूष गोयल जी से मांग की कि मोजाम्बिक से, मोजाम्बिक और कोलंबिया से भारत उड़द, अरहर और मसूर की दालें $2 बिलियन की इंपोर्ट करता है जी। मोजाम्बिक और कोलंबिया से उड़द, मसूर और अरहर। मैंने कहा जी हमें मौका दो, हम बीजेंगे, हमें MSP दे दो, हम आपका इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हरी क्रांति आई थी तो गेहूं के अनाज के भंडार जो भर दिए थे, तो अगर MSP हमें पंजाब में मिल जाए, पंजाब की जो जमीन है बहुत फर्टाइल है जी, हाँ, किसान भी पंजाब का धान जो है ना वो बीजना नहीं चाहता, वो कहता है जी मुझे कोई और फसल दे दो, MSP दे दो, धान जितनी कमाई दे दो, मैं कुछ और बीज लूंगा, पंजाब की धरती उपजाऊ है, जो मर्जी बीज लें, सूरजमुखी बीज सकते हैं हम मक्की बीज, मक्का बीज सकते हैं, नरमा कपास होता है हमारे यहाँ, कॉटन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप उनसे बात ही नहीं करोगे, अगर आंसुओं के गोले फेंक फेंक के बात करोगे, रबड़ की गोलियां चला के बात करोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, TV9 के इस खास मंच पर आज हमारे साथ। और एक मैं और बात कहना चाहता हूँ जाते जाते, कि लोगों को अक्सर कहते सुना है जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए।